हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दो रंग की बुनाई लेके आई हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमने ये रैबिट एक्सेल का वूल लिया है, जो कि ये पतला ऊन है। ये देखिए, ये पतला ऊन है और ये हमने 10 नंबर की निडिल ली है। बुनाई को बनाने के लिए हमने ये वाइट कलर के ऊन से 20 फंदे डाल लिए हैं। आपको हम गिन के दिखा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये हमने 20 फंदे डाल लिए और 20 फंदे डालने के बाद बुनाई की हम फर्स्ट रो बनाएंगे। तो फर्स्ट रो बनाने के लिए ये पहली सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। ये पूरी उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने फर्स्ट रो पूरी उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड रो भी पूरे उल्टे फंदे बुनेंगे। ये हमने उल्टी सिलाई बनाना है तो पूरी उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने सेकेंड रो उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड रो सीधी सिलाई। सीधी सिलाई में देखिए बनाएंगे, पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। ये पहला फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब दो फंदे हम एक साथ सीधा बुनेंगे। दो फंदे एक साथ सीधा बुनेंगे तो एक फंदा हमारा घट जाएगा। उसके लिए फिर हम यहाँ पर एक जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे एक साथ सीधा बुनेंगे, फिर जाली बनाएंगे। तो देखिए हम बनाते हैं। किनारे का पहला फंदा हमने सीधा बनाया। अब इसके बाद ये दो फंदे एक साथ लेंगे, एक फंदा, दो फंदा, दो फंदा ऐसे लिया हमने और ये बैक साइड से इसको सीधा बुनेंगे। ये हमने इसको बैक साइड से सीधा बुन लिया। अब धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे एक साथ सीधा बुनेंगे। ये देखिए, जाली बनाते हुए फिर दोनों फंदों को ऐसे लिया और बैक साइड से इसको सीधा बुनेंगे। ऐसे लिया और इसको ऐसे बना लिया। फिर धागा आगे करेंगे, जाली बनाते हुए फिर दो फंदे एक साथ सीधा बुनेंगे। ये दोनों फंदे लिया और ऐसे इसको ऐसे ले करके और बैक साइड से इसको सीधा बुनेंगे, ऐसे जाली बनाते हुए। ये देखिए, फिर धागा आगे करेंगे, जाली बनाते हुए फिर ये दो फंदे एक साथ सीधा बुनेंगे। ऐसे लिया, ऐसे बैक साइड से जाली बनाते हुए इसको सीधा बुन लिया। ये थोड़े फंदे अभी ढीले हो जाएंगे तो सही से बनेगा। ये थोड़े फंदे अभी कसे हैं। ये देखिए, ये हमने बना लिया। फिर धागा आगे करेंगे, फिर जाली बनाते हुए दो फंदे एक साथ सीधा बुनेंगे। ये लिया, ये लिया, ये दोनों फंदे ऐसे लिया और जाली बनाते हुए ये बैक साइड से सीधा बुना। ये बना लिया। इसी तरह पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, धागा आगे किया, फिर ये दो फंदे किनारे वाले एक साथ लेंगे और ये बैक साइड से इसको हम बनाएंगे। ये हमने किनारे का बना लिया। अब एक फंदा हमारा बचा है तो धागा आगे करेंगे और किनारे वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारी ये थर्ड रो सीधी सिलाई बन के ये कंप्लीट हो गई। ये देखिए, अब फोर्थ रो उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई हम बनाएंगे तो उल्टी सिलाई बनाने के लिए पूरे फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये फंदा और ये जाली वाला फंदा भी सीधा बुनेंगे, फिर ये फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ये जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे,
तो इस तरह बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने फोर्थ रो उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब सीधी तरफ से, सीधी तरफ से देखिए हमारा ये इस तरीके से आता है। अब फिफ्थ रो हम सीधी सिलाई बनाएंगे, तो इसके लिए हम ये पर्पल कलर का धागा जोड़ लेंगे। ये हमने धागा जोड़ लिया, ये हमने धागा जोड़ लिया। अब सबसे पहला फंदा सीधा हम बुन लेंगे। ये पर्पल कलर के धागे से बुनेंगे, तो सबसे पहला फंदा सीधा बुनेंगे। ये पहला फंदा हमने सीधा बुना। अब हम ये जो दिख रहा है, ये जो छेद दिख रहा है, इसमें हम ऐसे सिलाई डालेंगे और इस धागे से, पर्पल वाले धागे से ऐसे निकालेंगे। ऐसे हम एक फंदा ऐसे निकालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर उसी होल में ऐसे सिलाई डालेंगे, फिर एक बार ऐसे वून करके और इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया, ये देखिए, ये हमारे ऐसे दिखेगा। अब ये दो फंदा हम उतार लेंगे, ये फंदा, ये फंदा, ऐसे हमने सीधा उतार लिया। फिर उसी तरह से बनाएंगे, फिर अगले होल में, ये जो होल दिख रहा है उसमें फिर हम सिलाई ऐसे अंदर डालेंगे, ऐसे ऊन को सिलाई पर लपेटेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर उसी होल में सिलाई डालेंगे और फिर ये धागा ऐसे खींच लेंगे। फिर ये दोनों फंदा, ये जो वाइट फंदे दिख रहे हैं, इसको हम ऐसे उतार लेंगे। फिर अगले होल में उसी तरह से बनाएंगे, ऐसे अंदर होल में सिलाई ऐसे डाला, ये हमने ऐसे धागा खींच लिया। फिर धागा आगे करेंगे, फिर उसी होल में सिलाई डालेंगे और फिर इसको हम ऐसे खींच लेंगे। फिर ये दो फंदे जो वाइट दिख रहे हैं, इसको हम ऐसे सीधा उतार लेंगे। फिर अगले होल में ऐसे बनाएंगे, ऐसे डाला, धागा आगे किया, फिर उसी होल में डाला ऐसे सिलाई और इसको ऐसे खींच लिया। अब ये दोनों वाइट फंदे जो दिख रहे हैं, इसको ऐसे उतार लेंगे। इसी तरह से हम आगे भी बनाएंगे, तो पहले बना लेते हैं। ये हमने यहाँ तक बना लिया। अब किनारे का फंदा हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह ये हमने फिफ्थ रो सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स, इसको ये ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा ये ढीले ढीले लूप रखेंगे तो ये अच्छा बुनाई बनेगा, और इस बुनाई को बनाने में ऊन थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ऊन खरीदने से पहले थोड़ा सा ज़्यादा इसको ले लीजिएगा ऊन को। तो ये फिफ्थ रो सीधी सिलाई बना के हमने कंप्लीट कर लिया। अब सिक्स रो उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में ये पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर ये दो फंदे हम उल्टे उतार लेंगे। ये किनारे का फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब एक फंदा और ये दूसरा फंदा, ये दोनों फंदे हमने उल्टे उतार लिए। अब ये हमें पर्पल कलर के तीन धागे दिख रहे हैं, ये पर्पल कलर के तीन धागे दिख रहे हैं, ये तीन धागे, और यहाँ पे बीच में हमें दो वाइट फंदे दिख रहे हैं। तो ये पर्पल कलर का तीन फंदा और ये वाइट फंदा, ये तीनों को हम एक साथ उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, ये तीन फंदे और एक ये फंदा वाइट वाला, इन तीनों को एक साथ उल्टा बुन लेंगे। ये हमने उल्टा बना लिया। फिर एक फंदा उतारेंगे, फिर ये तीन फंदे, ये जो पर्पल कलर के हैं, और एक ये वाइट फंदा। यहाँ पे देखिए, पर्पल और इधर पर्पल, इन दोनों के बीच में दो वाइट फंदे दिख रहे हैं। तो ये पहले पर्पल कलर के तीन धागे और एक फंदा, ये इन तीनों को हम, चारों को हम एक साथ उल्टा बुनेंगे। ये तीन धागा और एक फंदा, ये इनको हम ऐसे ले लेंगे और उल्टा बुन लेंगे। फिर एक फंदा उल्टा उतार लेंगे, फिर ये तीन धागे पर्पल और एक वाइट, इन चारों को एक साथ उल्टा बुनेंगे। ऐसे हमने बुन लिया। फिर एक फंदा ये वाइट उतार लेंगे,
ऐसे हमने उल्टा उतार लिया। फिर ये तीन धागे और एक फंदा, इनको लेके हम एक साथ उल्टा बुनेंगे। फिर एक फंदा ये उतार लेंगे वाइट वाला, फिर ये तीन धागा और ये वाइट फंदा, इन चारों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। फिर एक फंदा उतार लेंगे, फिर ये तीन धागे और ये वाइट धागा फंदा, ये चारों को हम एक साथ उल्टा बना लेंगे। फिर एक फंदा उल्टा उतार लेंगे, उल्टा वाला फंदा ये उतार लिया। फिर उसके आगे इसी तरीके से बुनेंगे, फिर वाइट फंदा उतार लेंगे, फिर ये तीन धागा और ये वाइट फंदा, इनको हम एक साथ उल्टा बुन लेंगे। फिर ये वाइट फंदा उतार लेंगे, फिर ये पूरे फंदे, ये देखिए ये तीन धागा ये दिख रहा है और किनारे का ये फंदा दिख रहा है, इन चारों को हम एक साथ उल्टा बुन लेंगे, ये तीन धागा और ये चौथा, ये सबको हम उल्टा बना लेंगे। तो ये हमने उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह हमारी 6 रो उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट हो गई। ये देखिए इस तरीके से ये बना है फ्रेंड्स। ये देखिए एक बुनाई बना के हमने कंप्लीट कर लिया, ये बन के ये हमारी बुनाई, ये देखिए इस तरह से आएगी। अब हम यहाँ पे पर्पल कलर के धागे से बनाना बंद करेंगे और वाइट कलर के धागे से ही दूसरी बुनाई शुरू करेंगे। तो अब देखिए पर्पल कलर का धागा छोड़ देंगे, अब वाइट कलर के धागे से हमने बनाना जैसे हमने ये शुरुआत किया है। तो ये देखिए सबसे पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, ये हमने सबसे पहला फंदा सीधा बुना है, धागा आगे करेंगे। अब ये दो फंदे, एक वाइट कलर का फंदा और एक पर्पल कलर का फंदा, दोनों फंदा हम एक साथ सीधा बुनेंगे और यहाँ पे जाली बना लेंगे। ये देखिए ये दो फंदा हमने ऐसे लिया, इसको हमने ऐसे बैक साइड से इसको सीधा बना लेना है, फिर धागा आगे करेंगे। जाली बनाते हुए फिर ये वाइट फंदा और ये पर्पल फंदा दोनों को ऐसे लेंगे एक साथ और ये बैक साइड से इसको सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। जाली बनाते हुए फिर ये वाइट फंदा पर्पल फंदा दोनों को ऐसे लेंगे और बैक साइड से इसको सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। जाली बनाते हुए ये फंदा और ये फंदा दोनों को एक साथ लेंगे ऐसे और बैक साइड से इसको सीधा बुनेंगे। तो इस तरीके से पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने यहाँ तक बना लिया, अब किनारे का फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह ये सिलाई बना के हमने कंप्लीट कर लिया। अब उल्टी तरफ से पूरे फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो पूरी सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने पूरी सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब सीधी तरफ से ये देखिए अब सीधी तरफ से हम बुनेंगे। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, अब पूरे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये पूरी सिलाई उल्टी बना के हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम ये वाइट कलर के धागे से ही पूरा बनाएंगे और पूरी सिलाई हम बना लेते हैं। ये हमने पूरी उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया, पूरे फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई हम उल्टी ही बुनेंगे। ये देखिए पूरी सिलाई उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। ये पूरी उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब आप सीधी तरफ से देखिए इसको, ये देखिए अब हमारी ये दो लाइनें आ गई हैं, ये उल्टी उल्टी धारियाँ। अब यहाँ पे फिर सीधी सिलाई में बनाएंगे। तो सबसे पहले पहला फंदा सीधा उतार लेंगे। अब दो फंदा हम एक साथ बुनेंगे। ये देखिए एक फंदा दो फंदा हमने ऐसे लिया
और ऐसे बैक साइड से इसको हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर जाली बनाएंगे, फिर दो फंदे एक साथ बैक साइड से बुनेंगे। ये देखिए, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे हमने बैक साइड से इसको सीधा बुना, ऐसे जाली बना लिया। फिर धागा आगे करेंगे, ये दो फंदे लेंगे, एक फंदा, दो फंदा, ऐसे लिया, बैक साइड से इसको सीधा बुन लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर ये दोनों फंदे एक साथ लेंगे और इसको बैक साइड से सीधा बुन लेंगे। ये फंदे थोड़े कसे होते हैं, इसको थोड़ा ढीला ढीला करके, सिलाई से ढीला करके तब इसको बनाइएगा। ये देखिए, बार बार ये कसे फंदे इसलिए बन नहीं रहे हैं। फिर धागा आगे करेंगे जाली बनाते हुए, फिर ये दो फंदा एक साथ सीधा बुनेंगे। ये जाली बनाया और ये दोनों फंदे हमने एक साथ सीधा बुन लिया। इसी तरह पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब उल्टी तरफ से बुनेंगे इसको। उल्टी तरफ से ही हम पूरे फंदे सीधे बुन लेंगे, पूरी सिलाई सीधी बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये सीधा फंदा, ये सीधा फंदा, फिर ये जाली का फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर ये फंदा। इन फंदों को थोड़ा सा सिलाई से ऐसे ढीला कर लीजिएगा, उसके बाद बनाई तो आसानी से बन जाता है। फिर ये जाली का फंदा सीधा बुना, फिर ये सीधा फंदा इसको बुना, फिर ये जाली का फंदा सीधा बुना। इस तरह पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेते हैं। यह हमने पूरी सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए, सीधी साइड से हमारा ये एक बुनाई बन के कम्प्लीट हो गया। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक बुनाई बना। अब फिर हम जो पर्पल कलर के धागे से हमने बनाया था उसको हम फिर यहाँ पे बनाएंगे। तो अब हम वाइट कलर के धागे से बनाना बंद कर देंगे और फिर पर्पल वाला धागा लेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने पर्पल धागा लेना है, अब ऊपर बनाना है इससे। इसको आप मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। जैसे हमने एक कलर ये लगाया, अब यहाँ पे लगाना है तो हम दूसरा कलर लगा लेंगे, फिर उसके ऊपर तीसरा कलर। ऐसे मल्टी कलर के धागे से भी आप बना सकते हैं। यह आपकी मर्ज़ी, आप दो धागे में बनाएंगे, दो कलर में बनाएंगे या चार कलर में, जैसे आपकी मर्ज़ी हो उस तरीके से बना लीजिएगा। तो अब देखिए, इसको हम बनाएंगे, पर्पल वाला धागा लगाएंगे, ये पहला फंदा सीधा हम बुन लेंगे। ये हम दूसरी बुनाई शुरू कर रहे हैं। पहला फंदा हमने बुन लिया, अब उसके बाद फिर देखिए, ये जो होल है उसमें फिर हम बनाएंगे। ये ऐसे लिया, इस होल के अंदर सिलाई को डाला, धागे को इधर घुमाते हुए ऐसे लूप बना लिया, लूप खींच लिया। फिर धागा आगे करेंगे, फिर उसी होल में डालेंगे, ऐसे सिलाई डालेंगे और फिर हम ऐसे खींच लेंगे। इस तरीके से ये हमारा बन गया। फिर ये दोनों फंदा उतार लेंगे, एक फंदा, दो फंदा, इस पर हमने उतार लिया। फिर दूसरे होल में उसी तरीके से बनाएंगे, ऐसे सिलाई डाला अंदर, ऐसे किया और इसको ऐसे खींच लिया। फिर धागा आगे करेंगे, फिर उस होल के अंदर ऐसे डालेंगे, ऐसे ऐसे हमने खींच लिया। फिर दो फंदा इसके ऊपर उतार लेंगे। फिर तीसरे होल में उसी तरह से बनाएंगे, ऐसे डाला, ऐसे हमने खींच लिया। फिर धागा आगे करेंगे, फिर हम लूप को ऐसे खींच लेंगे। फिर ये दो फंदे उतार लेंगे। फिर अगले होल में उसी तरीके से बनाएंगे, ऐसे ऐसे लूप खींच लिया। फिर धागा आगे करेंगे, फिर उसी होल के अंदर सिलाई डाल के और फिर इसको हम
खींच लेंगे, फिर दो फंदे उतार लेंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब उल्टी तरफ से हम बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए ये पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे। ये दो फंदे हम उतार लेंगे, ऐसे हमने उतार लिया। अब ये तीन फंदे पर्पल वाले और एक फंदा ये वाइट वाला, तीनों को एक साथ उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये तीन पर्पल और एक वाइट धागा, चार फंदे एक साथ उल्टा बुन लेंगे। ये हमने बुन लिया। फिर ये एक फंदा उतार लेंगे, एक वाइट वाला फंदा उतार लेंगे। फिर ये तीन फंदा पर्पल और एक वाइट, इन तीनों को एक साथ उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, तीन फंदा पर्पल वाला और एक वाइट, ये तीनों को एक साथ उल्टा बुनेंगे। ये हमने उल्टा बुन लिया। फिर एक फंदा हम उतार लेंगे, फिर तीन पर्पल फंदा ये और एक वाइट फंदा, इनको हम उल्टा बुनेंगे। फिर एक फंदा हम उतार लेंगे, फिर ये तीन धागा और एक वाइट, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। फिर इसको उतार लेंगे, फिर ये तीन धागा और एक वाइट, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। फिर हम उतार लेंगे एक फंदा वाइट वाला, फिर तीन धागा ये और एक वाइट, इनको हम उल्टा बुनेंगे। एक फंदा ये उतार लेंगे, फिर ये बुना आगे उसके तीन धागा और एक वाइट, इन चारों को लेके ऐसे बुन लिया और एक धागा उतार लिया। फिर ये तीन पर्पल और एक किनारे का, इन चारों को हम एक साथ उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरह ये उल्टी सिलाई बना के हमने कंप्लीट कर लिया। अब सीधी साइड से देखिए, ये देखिए, जैसे हमने ये फर्स्ट रो से बनाया उसी तरीके से ऊपर हम बनाते हुए रिपीट करते जाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा बना के और लंबा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बुनाई हमारी बन के इस तरीके से आती है। बनने के बाद बुनाई हमारी कितनी सुंदर लग रही है। इस बुनाई को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों के स्वेटर पे, लेडीज़ जैकेट पे, लेडीज़ स्कीवी पे, कार्डिगन पे, बेबी ब्लैंकेट पे, किसी पे भी अप्लाई करें, बन के ये बहुत अच्छी आती है। ये हमने दो कलर में बनाया, अगर मल्टी कलर में बनाना चाहें तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से ये बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।